जय हो मोहन राम बाबा की। आपको बता दें खोली वाले बाबा मोहन राम की यहाँ पर लगातार लाखों करोड़ों श्रद्धालु आके पूजा करते हैं। आपको बता दूँ मिलखपुर, राजस्थान के मिलखपुर में ये पवित्र धाम पाया जाता है। ये देखिए फिलहाल में जो दिव्य ज्योत चल रही है, ये दिव्य ज्योत ही एक प्रकाश में है और लोगों के बीच में एक मैसेज छोड़ती है कि हाँ बाबा आपके बीच में हैं, आपको देख रहे हैं, आपका आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। लगातार ये दिव्य ज्योत 365 दिन पूरे साल भर 24 घंटे चलती है। अगर आप बता दूं कि राजस्थान के मिलखपुर एरिया में अगर आप आते हैं, मिलखपुर एरिया में यहाँ पर कई पहाड़ी के ऊपर कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर है, मतलब पूरी पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर बसा हुआ है। देख लगातार ये आप देखेंगे कि मिलखपुर के एरिया के आसपास का सारा ये एरिया नज़र आता है। मतलब मंदिर का जो पवित्र धाम है पूरा ये सराउंडिंग में जो आप देख रहे हैं ये पवित्र धाम दिखेगा। गौशाला वहाँ दिखेंगे, लगातार गाय वहाँ पर दिखेंगी, कई सारे चीज़ें, जानवर, पक्षी बहुत सारे यहाँ पर आपको दिखेंगे। पक्षियों को बाजा डालने के लिए, कबूतरों को बाजा डालने के लिए भी आपको वहाँ से काफ़ी कुछ मिल जाता है। इतनी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लगातार आप कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इस पवित्र धाम में आते हैं। यहाँ लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से भवन का खुलने का समय तक दिया हुआ है और बंद कब होगा उसका भी दिया हुआ है। तो फिलहाल के तौर पर जिस तरीके देखिए 24 घंटे 365 दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ रहती है। मेन यहाँ दिवाली और धौज के दिन जो सबसे ज़्यादा माना जाता है धौज, अगर आप आते हैं धौज वाले दिन लगातार भीड़ यहाँ सैकड़ों की तादाद में मिलती है। ये है बाबा मोहन राम की पवित्र वो मंदिर जहाँ पर आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और कहते हैं कि बाबा मोहन राम त्रिमूर्ति कहे जाते हैं, पुराणों में कहा जाता है, पौराणिक चीज़ कही जाती है। बाबा से मतलब भगवान शिव, मोहन से मतलब सीधा भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा गया है और राम तो श्री राम है ही हैं, तो मतलब त्रिमूर्ति इनसे जोड़ा गया है, तो इन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। पौराणिक कथा है कि जो भी मनोकामनाओं के साथ, जो भी पवित्र मन के साथ यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद इधर से आप वापसी कर सकते हैं, जा सकते हैं। लगातार जिस तरीके से देखिएगा पूरी तरीके मंदिर के दिव्य दर्शन आप भी कर लीजिए। जय हो बाबा मोहन राम की।